तो गाइस सिंघाड़े आ चुके हैं, बॉयल्ड सिंघाड़े। गाइस हम हैं लखनऊ सीतापुर रोड पे और बॉयल्ड सिंघाड़े आप देख सकते हैं। और ये कितने में भैया? 40 रुपए पाव। क्या नाम है आपका? हैं गुड्डू भैया हैं। और कब से बेच रहे हैं आप ये? कितना समय हो गया? सुबह 6 बजे। और ये ठंडी शुरू होती है तो वैसे ही आ जाते हैं बॉयल्ड सिंघाड़े। इस धूप में सूखने के लिए रखे हैं। तो गाइस ये देखिए आप, कितने देर लगेगी भैया? 20 मिनट। तो 20 मिनट में ये उबल के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे लाइन से कई दुकानें हैं। तो गाइस टेढ़ी पुलिया जहाँ से शुरू होती है कॉर्नर से एकदम लाइन से 25-30 दुकानें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। और ये भैया कुछ इस तरह देते हैं। भैया कितने के लिए हो? 10 रुपये। 10 रुपये? 10 रुपये का ले रहे हैं। काहे की चटनी है? इसमें नमक पड़ा है, अदरक पड़े है, टमाटर पड़े हैं, धनिया पड़े हैं, मिर्चा पड़े हैं। अच्छा, इस हम आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या, सभी इसका टेस्ट जानते हैं। और जो सिंघाड़े मीठे रहते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वाइल्ड में टेस्टलेस होते हैं और सिंघाड़े का अपना टेस्ट होता है। अक्टूबर का महीना है और सिंघाड़े आ चुके हैं। ये मीठे रहते हैं तो शुरुआत में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जब इनका नेचुरल टेस्ट हो जाता है सिंघाड़ों वाला जो रहता है उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। अभी फ़िलहाल मीठे हैं, ताज़े हैं, फ्रेश हैं, इसलिए थोड़े स्वीट रहेंगे। और भैया लोग का काम काफ़ी मेहनत वाला है, आप देख सकते हैं सामने भी कई कार्ट हैं। तो हमें अपने स्कूटर की सीट मिल गई है। काफ़ी फ्रेश है गाइस और चटनी के साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। गाइस काफ़ी अभी नरम है सिंघाड़े की गूदी। नवंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक ये टाइट होने लगेगी तो काफ़ी अच्छी टेस्ट आएगी। और वही सिंघाड़े की गूदी जो टाइट हो जाती है उसी का आटा बनता है, सिंघाड़े का आटा ड्राई करा के उसका अपना टेस्ट होता है सिंघाड़े वाला। इसमें थोड़ा सा स्वीटपन है लेकिन चटनी के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है। पर मुझे तो चटनी ज़्यादा लगा के खाना पसंद है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता नहीं किया था। गाय चटनी में धनिया मिर्च और थोड़ा सा पुदीना है लेकिन सॉल्ट काफ़ी है तो आप लोग अपने हिसाब से खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।